इमाम हसन को जहर दिया गया, अंतड़ियां ना कट कट के बाहर गिर रही उस शहजादे की जिसने हुजूर की गोद में उम्र गुजारी। महबूब के कंधों पर रहने वाले हसन इब्ने अली जनाब इमाम हुसैन हाजिर बारगाह हुए तो हाथ पकड़ के भाई का चूम के रो पड़े। भाई प्यारे भी तो बड़े होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, और इन लोगों का मनसब बड़ा अनोखा है, शदीद तकलीफ है। तो इमाम हुसैन कहते हैं मेरे भाई हसन बताइए आपको जहर किसने दिया, रो के पूछते हैं। भाई का माथा चूम के इमाम हसन रो पड़े, कहने लगे हुसैन मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि अगर वो नहीं जिस पर मुझे शक है तो फिर किसी बेगुनाह का नाम कैसे ले दूं, और अगर वही है ना जिस पर मुझे शक है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मेरा रब बड़ा बेहतर इंतकाम लेने वाला है, फिर भी नहीं बताऊंगा। क्या करूं, कैसे बता दूं मुस्तफा का नवासा हूं मैं, पढ़ते डालने वाली माँ का बेटा मैं, शेर से ज्यादा जिगर रखने वाले अली का पुत्र, मैं कैसे बात कर दूं। बस जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, और सजना आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं।